गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक उपटन पाउडर का रिव्यू करने वाली हूँ। तो मुझे उपटन लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उपटन लगाने से बहुत अच्छे से जो स्किन की गंदगी है वो निकल आती है, डेड स्किन पूरी रिमूव हो जाती है। मतलब पहले टाइम पे स्क्रब वगैरह नहीं होते थे तो घरों पे उपटन बना के ही यूज़ किया जाता था, जैसे सारी गंदगी निकल आए। उपटन इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो आपकी बॉडी पे बारीक बारीक बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। ये जो हर्ब्स गुडनेस का उपटन पाउडर है ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे इसमें ग्राम फ्लोर यूज़ किया गया है, वीट फ्लोर यूज़ किया गया है, कैम्फोर यूज़ किया गया है, सैंडलवुड पाउडर यूज़ किया गया है और कैम्फोर यूज़ किया गया है, मतलब कपूर यूज़ किया गया है। ये जो उपटन है ये इसमें एज डिफाइंग प्रॉपर्टीज़ है, एक्ने से प्रिवेंट करता है, जो आपके पोर्स हैं उनको टाइट करेगा, स्किन को फर्म करेगा, यूथफुल लुक देगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। ये जो उपटन पाउडर है ये 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, पर अगर आपकी स्किन पे एक्टिव पिंपल हैं तब आप इसको यूज़ ना करें, और एक्टिव पिंपल हैं तो आप कोई भी उपटन यूज़ ना करें, कोई भी स्क्रब अपने स्किन पर यूज़ ना करें। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करना बड़ा ही आसान है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी ले लीजिए। आप इसको फेस पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, बाकी बॉडी पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो कर्ड मिल्क जो भी आपको सूट करता है, या फिर प्लेन वाटर के साथ मिक्स करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें एसेंशियल ऑयल्स वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं और इसकी गुडनेस को बढ़ा सकते हैं। इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए जिससे कि लगाने में आसानी हो, और बस ये तैयार हो गया आपका उपटन। अगर आप इसको फेस पैक के जैसे यूज़ करते हैं तो आप इसको 10-15 मिनट तक लगे रहने दीजिए, फिर प्लेन वाटर से वॉश कर दीजिए। फेस पैक की तरह यूज़ करने से आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा। अगर आप इसको फेस वॉश के जैसे यूज़ करते हैं तो इसको अच्छे से फेस पे लगा लीजिए, 1-2 मिनट तक रब कीजिए और प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन को ऑयल फ्री बनाएगा और ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको उपटन के जैसे यूज़ करते हैं तब आप इसको इसका जो पेस्ट है उसको अपने स्किन पर लगा लीजिए, ड्राई होने दीजिए और फिर इसको रब कर करके अच्छे से इसको रिमूव कर दीजिए। तो आपकी स्किन की सारी गंदगी निकल जाएगी, डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगी। अगर आप स्किन पे करते हो तो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे रिमूव हो जाएंगे। कई बार नेचुरल चीज़ें भी हमारे स्किन को सूट नहीं करती हैं और इरिटेट करती हैं, इसलिए इसको यूज़ करने से पहले हमेशा पैच टेस्ट कीजिए। इसको ड्राई या कूल प्लेस पे आप रख सकते हैं और आँखों के आसपास इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये जो उपटन पाउडर है मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा काम करता है और काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब 50 ग्राम का एक पैक है, सिर्फ 85 रुपीज़ इसका प्राइस है और आफ्टर डिस्काउंट मुझे 60 या 65 रुपीज़ में मिला। तो आसानी से आप इसको ले सकते हो, और अगर आप फिर भी नहीं लेना चाहते हो तो ये मिलके बना हुआ है हल्दी, चंदन और बेसन, वीट फ्लावर और कपूर इसमें यूज़ किया गया है। तो अगर ये सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल घर पे बना के भी यूज़ कर सकते हो। बस जो कपूर आप यूज़ करते हो अपने फेस के लिए, वो पूजा में यूज़ करने वाली कपूर को यूज़ मत करना, क्योंकि कपूर खाने के लिए स्किन के लिए अलग आता है। तो याद रहे कि आप जो स्किन पर लगाते हैं जो कपूर, वही परचेस करें और फिर उसको यूज़ करें, नहीं तो आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।